प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर झज्जर से है। आपको बता दें कि झज्जर के सुरहेती गांव में एक विवाहिता ने फंदा लगा लिया। अज्ञात कारणों के चलते विवाह ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि लगभग एक साल पहले ही विवाहिता की शादी हुई थी। अन्नु नाम की महिला ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, तो वही विवाहिता के परिजनों ने मानसिक संतुलन खराब होने का हवाला दिया है। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है। यह सबकी बड़ी खबर है जो झज्जर से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि झज्जर के सुरहेती गांव में विवाहिता ने फंदा लगा लिया। अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि लगभग एक साल पहले ही विवाहिता की शादी हुई थी। अन्नू नाम की महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी है, तो वही मृतका के परिजनों ने मानसिक संतुलन खराब होने की बात कही है। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है जो झज्जर से आ रही है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर झज्जर से है। आपको बता दें कि झज्जर के सुरहेती गांव में एक विवाहिता ने फंदा लगा लिया। अज्ञात कारणों के चलते विवाह ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि लगभग एक साल पहले ही विवाहिता की शादी हुई थी। अन्नू नाम की महिला ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, तो वही विवाहिता के परिजनों ने मानसिक संतुलन खराब होने का हवाला दिया है। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है। यही सब की बड़ी खबर है जो झज्जर से आ रही है। आज सूचना गांव सुरहेती के सरपंच ने फोन द्वारा सूचना दी कि एक औरत ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली अपने मकान के चौबारा में। जो इस सूचना पर मैं साथी कर्मचारियों सहित मौका पर पहुंचा और औरत के भाई व परिवार वालों को बुलाया गया मौका पर और जांच उन्होंने अपने तौर पर तसल्ली कर ली। उन्होंने दरख्वास्त दी कि हम कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, हमारी बहन ने मानसिक संतुलन ठीक ना होने के कारण आत्महत्या लगाई अपने जमीन में। पोस्टमार्टम करा दी, जिस पर 174 की कार्रवाई करके हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं।